नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VDV ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं आपसे गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं एक नई अपडेट की और, बने रहिए हमारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VDV ऑल अप टू डेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो आपके सामने लेके आए, आपको भी दिखाई दे रहा है, ये हम एक ट्राइपॉड लेके आए हैं जो कि आजकल के यूट्यूबर जो है छोटे छोटे बहुत यूज़ कर रहे हैं इसको, कि अच्छा ये ट्राइपॉड है। इसमें आज हम इसका व्यू आपके सामने बताएँगे, कैसे कैसे रिव्यू बताएँगे। ये जैसे ट्राइपॉड है JF 3110 मेड इन चाइना का है, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्राईपोड है ये मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसके फीचर्स देखिए कैसे हैं। ट्राईपोड JF 3110 थ्री वे हेड, मतलब तीन तरफ से ये काम करता है, और बिल्ट इन लेवल में रखता है 4 सेकंड अल्टीमेट लैग्स भी हैं चारों तरफ से इसके, और क्विक लेवल लॉक भी अच्छी तरह से ये इसमें दिखाया गया है। 120 mm और 350 mm, 345 mm, 16 ये इसका डायामीटर जो है ये, और 420 ग्राम इसका वेट है। दोस्तों, बहुत ही हल्का ये ट्राईपोड है, और इसके दूसरी तरफ भी यही है जो एक तरफ दिखा दिया यही है। तो आज हम आपके सामने इसको, ये मैंने जो है बहुत ही सस्ता एक चीफ है जो कि 350 रुपये में ख़रीदा है ये, इसको बहुत ही बढ़िया ये है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये बढ़िया काम करता है, क्या क्या इसमें आप हैंडल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए, इसकी मत कीजिएगा ताकि आप लोग इसमें जान सके। और दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले हमने ये आज एक माइक भी लिया है कि ये वीवो उसका इतना अच्छा तो नहीं है, पर इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसे ये काम करता है। और अभी आपके सामने पहले हम ये इसको माइक को लगाते हैं कि माइक कैसे क्वालिटी है, माइक की कैसी क्वालिटी, उसके बाद हम माइक लगा के आपको दिखाते हैं कि कौन सा। ये माइक भी बहुत सस्ता माइक है, बड़ा सस्ता हमने लिया है ये, और क्वालिटी आप लोग देख ही लोगे कि कैसे कैसे। एक मिनट में चलिए, ये माइक हमने लगा लिया है, अभी आप लोग इसकी क्वालिटी देख ही लोगे कैसे कैसे है, क्योंकि पहले बिना माइक के थी आवाज़, अभी माइक के साथ आप लोगों के सामने हम ले जाएंगे। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे काम करता क्या है। बहुत ही अच्छा ये ट्राईपोड है, बहुत सस्ता ये, अगर इसको आप ऑनलाइन भी लोगे तो ये 399 के करीब आएगा, या 850 रुपये में पहले दिखाता था, अभी तो 399 का दिखा रहा है। लेकिन हमने अभी इसको आज ही शॉप से ख़रीदा है, और ये माइक भी और ये भी, और ये हमारे को 350 का पड़ा है। बहुत ही बढ़िया ये ट्राईपोड, बताते हैं कि हमारा ये फर्स्ट हमने परचेज़ किया है। हम जल्दी ही आप लोगों के साथ फेस कैम वीडियो भी में भी मिलेंगे जल्दी आप लोगों के साथ, तो आप लोग हमें इतना ही प्यार देते रहिए, और जल्दी जल्दी हम फेस कैम वीडियो भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे, आप लोगों के सामने लेके आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोग हमें जो है ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, जी प्लस गूगल प्लस पे, और जो है एक स्टीम, अभी ये जो स्टील बर्ड कनेक्ट है उस पर भी आप हमें जो है VDV ऑल अप टू डेट पे आके क्लिक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमें जितने फॉलोअर बढ़ेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो आप प्लीज़ हमें जो है वहाँ पे फॉलो कीजिएगा। तो अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए हम इसको ज़्यादा समय लेते हुए अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, अनबॉक्सिंग इसको करते हैं, तो हम इसकी खोल लेते हैं चेपी। चलिए, इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो अंदर से देखते हैं, ये बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये एक अंदर भी एक लिफाफे के अंदर बंद है, बहुत बढ़िया ये ट्राईपोर्ट है। तो इसके डब्बे को हम रखते हैं साइड में, इसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे कैसा, अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर से ये देखिए, जो मोबाइल को होल्ड करने वाला है जो फ्रेम है वो निकला है, कि जो मोबाइल को फ्रेम होल्ड करते हैं। हम आपको फोल्ड करके बताएंगे कैसे होल्ड होता है माइक, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो इसको खोलते हैं, देखिए ये कुछ इस प्रकार सा दिखेगा हमें, बहुत बढ़िया है ये
ये दिखने में ऐसा दिखेगा। ये दोस्तों ये बता दें आपको, ये अल्मोनियम का बना हुआ है। कई जो ट्राइपॉड रहते हैं ये प्लास्टिक के बने रहते हैं, लेकिन ये जो अल्मोनियम का बना हुआ है बहुत ही, इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं है लेकिन मजबूत है। देखिए इसमें, इसको हमने ये होल्ड कर दिया है, देखिए। तो ये इसका, यहाँ पे आप कैमरा कैमरा भी आप इसमें होल्ड कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ये इसका इंडिकेटर है जो ये देखिए बल्ब टाइप है, कभी ऊपर कभी नीचे आता है इसका। तो हमने ये देखिए, ये इसका हैंडल है जो कि आप कैमरे को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसका, ये यहाँ पे स्क्रू ढीला करके इसका देखिए, ये इसको आप यहाँ से ढीला भी कर सकते हैं और इसको कहीं भी ऊपर नीचे एंगल इसको दे सकते हैं, और यहीं से ये घुमाने से ये टाइट हो जाता है। तो देखिए इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि ये फिर प्लास्टिक है, मेड इन चाइना भी है, और इतना गारंटीदार भी नहीं है, कहीं स्लिप हो जाए चूड़ी फिर बाद में काम भी ना आए। तो ये इसका जो है, यहाँ पे हम कैमरा को, ये इसका जो पिन है यहाँ पे, ये देखिए, ये नीचे से जो है पिन नीचे से घूमता है। आपने कैमरा को नहीं घुमाना, कैमरा को या मोबाइल को यहाँ रख के बस रखना है खाली, और इसको नीचे से घुमाना है, तो ये ऊपर फिट हो जाएगा। तो ये देखते हो निकलता नहीं है, ये ऊपर फिट हो जाएगा। और ये इसका स्टैंड, चलिए हम इसको एक बार ऊंचा करते हैं। चलिए हम इसको आपको लगा के बताते हैं ये कैसा लगता है। ये देखिए इसका ये 3 लॉक है, बहुत ही बढ़िया, 3 और 3 9 लॉक हो गए। जैसे हम इसके 3 लॉक खोलते हैं तो ये पूरा लंबा हो जा रहा स्टैंड। देखिए ये पूरा जो है 3 लेग खुल गया, ये लंबा हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया, इसके जो लेग भी, ये देखिए नीचे जो स्टॉपर हैं ये भी अच्छे हैं, जो ज़मीन पे टिकते नहीं, तो कईयों के जो है प्लास्टिक के नीचे निकलते रहते हैं। ये पूरा अल्मोनियम का बना हुआ, बहुत बढ़िया है ये। तो जैसे ही हम इसको ये बंद करते जाना है, जैसे आपने पूरा खोल लिया तो ये बंद करना है इसको, और ऐसे देखिए इसको बंद करते हैं, लॉक लगा देते हैं। ये लॉक लग गया, ये ऊपर वाला लॉक, ऐसे लॉक, पूरे लॉक इसके लगा देने हमने, ये देखिए। और ये इसको हम नीचे खड़ा करते हैं, और ये देखिए ये पूरा खुल गया है आप लोगों के सामने अभी, कि कैसे कैसे इसको हम करते हैं। अगर इसको और भी आप लोगों ने ऊंचा करना है तो देखिए यहाँ पे इसका जो स्क्रू है गले का, आपको क्लोज करके दिखाते हैं थोड़ा। ये यहाँ पे जो स्क्रू है इसको हम अगर खोलते हैं तो ये और भी यहाँ से लंबा हो जाता है, ये देखिए ये और भी लंबा होगा। तो धीरे से स्क्रू जो है फिर टाइट कर लेना है, देखिए उतना ही टाइट कीजिए जितना कि ये सही काम आ जाए। अगर पूरा अपर पहलवान वाला जोर लगाएंगे तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि मेड इन चाइना आइटम है। और इसके ऊपर ये पूरा अभी खुल गया हमारा, तो ये देखिए अभी तकरीबन ये 3-3.5 फिट के करीब ऊंचा ये बन गया है, मेरे यहाँ पे हिप के पास आ रहा है, तो 3-3.5 फिट ऊंचा ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर हम कैमरा कैसे फिट करते हैं, मोबाइल कैसे फिट कर सकते हैं, और वीडियो कैसे बना सकते हैं। देखिए इसका जो स्टैंड है, मोबाइल होल्डर स्टैंड जो हम लोगों ने आपको बताया था, ये देखिए ये आपने इसको ऐसे यहाँ टिका देना है। टिकाने के बाद इसको हमने नीचे से कसना है, ऐसे नीचे से कस दिया जो पिन है इसका, ये देखिए ये कसा गया। तो यहाँ पे आप मोबाइल होल्ड करके जो वीडियो हो बना सकते हैं, जैसे यूट्यूब कई बनाते हैं, ये इसको ऊपर नीचे आप ऐसे कर सकते हैं, या इसको घुमा भी सकते हैं। इसको थोड़ा डाउन करने से आप जो है इसको इधर उधर पूरा एंगल घुमा सकते हैं, कहाँ आपको ऊपर नीचे, अगर इसको ढीला करेंगे इधर नट को तो ये पूरा इधर भी घूम जाएगा। बहुत बढ़िया ये ट्राईपोड लगा हमारे को, और सबसे सस्ता भी, अगर ऑनलाइन भी आप मंगवाते हैं तो 450 का या 800 का पहले आ रहा था, अभी सस्ता हो गया थोड़ा ये। अभी ये मैंने जो आज 350 रुपये का ख़रीदा, तो बहुत बढ़िया ये अल्मोनियम की इसकी पूरी बॉडी है, पूरी लेग्स है। ये देखिए इसका जो ये स्टॉपर है ये भी बिल्कुल बढ़िया है, निकलता भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने कई देखे हैं जो ट्राईपोड उनका जो ये लेग नीचे वाला है ये पूरा ये निकल जाता है ये स्टॉपर, ये रबड़ का जो बुलेट है ये। तो ये बहुत बढ़िया ट्राईपोड मेरे को लगा कि इसको, अब आपको मोबाइल में इसमें लगा के दिखाता हूँ ये मोबाइल इसमें कैसे फिट करते हैं। देखिए ये मोबाइल है, अभी मैं आपको मोबाइल इसमें लगा के बताऊंगा कि कैसे मोबाइल लगता है।
लगा दिया है इसको। ये जो इसका ये थोड़ा ऊंचा भी चला जाता है, एडजस्टेबल इसका जो स्क्रू है, ये देखिए ये ऊपर नीचे हो जाता है ये। और इसको ऐसे मोबाइल ऐसे हम इसमें फिट कर लेते हैं, पूरा इसमें ये फिट हो जाता है मोबाइल, देखिए। ये मोबाइल पूरा इसमें फिट हो गया, देखिए ये मोबाइल फिट हो गया कि मोबाइल गिरे ना इसमें। और अगर हमने इसकी वीडियो चालू करनी हो तो वीडियो भी यहाँ से चालू हो जाएगी, ये देखिए ये वीडियो बननी चालू हो गई है, इसमें वीडियो शुरू हो गई। इस प्रकार से मोबाइल इसमें हैंडल कर सकते हैं हम, और इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये जैसे आपका एंगल है, जैसे नीचे का वीडियो लेना नीचे घुमाना है, तो ये नीचे वाला जो साइड वाला जो बटन है, इसको हम थोड़ा जैसे यूज करते हैं तो इसको इधर भी घुमा सकते हैं, तो ये घूम सकता चारों तरफ से ऊपर नीचे। जैसे आपने इसको बनाना है वीडियो, वैसे आपका वीडियो इसमें बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये ट्राईपोड हमें हमारे को लगा ये, और बहुत सस्ता भी है, 350 रुपये का है। और इस पे दोस्तों ये मजबूत काफ़ी है, इसमें हमारे को लगता है कि आप DSLR भी इसमें ऊपर फिट कर सकते हो। जैसे इसको खोल के इसको DSLR कैमरा भी इसके ऊपर आप फिट कर सकते हो। ये हमें मजबूत लगा, जो दूसरे हमने ट्राईपोड देखे वो इतने मजबूत नहीं लगे, वो तो ऐसे बिल्कुल हिल रहे थे कि वेट भी नहीं उठा पाएंगे मोबाइल का भी। लेकिन ये अच्छा है, देखिए इसके ऊपर हम वेट भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, अच्छा हमारे को ये ट्राईपोड लगा। तो आप लोग भी इसको यूज कीजिए, अच्छा है। हमारे को ये 350 का मिला है, बहुत ही बढ़िया हमारे को लगा। ये मजबूत है, अल्मीनियम का इसकी लेग्स है, अच्छा है ये। और इसको बंद करने का क्या सिस्टम है, जैसे हमने इसको खोला था तो पहले हमने इसको ऊपर से बंद करेंगे, जैसे इसका इस साइड वाला ये खोल गए तो इसको नीचे चला जाएगा, ये यहाँ से फिर इसको टाइट भी कर देना है। फिर उसके बाद ये जो इधर वाली लेग्स थी, जो तीन तीन तीनों की ये खोल देनी है, ये वाली साइड वाली थ्री लॉक है, ये लॉक खोल देने हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको जैसे इसको ऊपर कर देना है और इसको बंद कर देना है, देखिए ये बंद हो गया, छोटे से छोटे पार्ट में बिल्कुल ये बंद हो जाता है, देखिए। बंद करने के बाद फिर जो इसके लॉक सेम वैसे की वैसे ही लगा लेने जैसे हमने खोले थे, देखिए देखिए ये बहुत बढ़िया हमारे को लगा ये स्टैंड। तो फिलहाल इतनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी हमने, आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं, अच्छा। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो नए यूट्यूबर हैं वो अपना फेस कैम वीडियो बनाने के लिए अच्छा कैमरे का स्टैंड जो है ट्राइपॉड जो है यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सस्ता, 350 रुपये का है, और अच्छा मजबूत हमें ये लगा, अलमुनियम का बना हुआ है। और आप हमें जो है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल प्लस पे और स्टील बर्ड कनेक्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं, BDB ऑल अप टू डेट के नाम से दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।